हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर का, जो कि स्टील मॉडल है। इसमें हमने आपको दो पार्ट में शो किया हुआ है। हमारा एक बोल सकते हैं आप ट्रेडिशनल, ये देख रहे हो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, दो फार्मिंग को हमने शो किया है। आप देख सकते हो ये हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग हो गया, ये आपका मॉडर्न फार्मिंग हो गया। ट्रेडिशनल में कैसे फार्मिंग होता था और मॉडर्न में हम कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में हमने इस मॉडल में शो किया हुआ है सारा चीज़। तो फर्स्ट इधर देख रहे हो ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो सब्सटेंस फार्मिंग है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि विलेज है। विलेज में क्या होता है, छोटे छोटे जगह में फार्मिंग करते हैं और वहाँ पे एक ही जगह पे आप बहुत चीज़ लगा सकते हो अलग अलग छोटे छोटे जगह पे। जैसे आप देख रहे हो इसमें अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं और इसमें हल चला रहे हैं लोग, और फार्मर जो देख रहे हो आपके फार्मर जो है, जो विलेज में जैसे फार्मर होते हैं उस तरह से होते हैं। बाकी कॉ सब भी क्रिएट किया हुआ है विलेज के सीन क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे हट लगाए हुए हैं हमने क्योंकि पेपर का बना हुआ है। आप देख रहे हो इधर पूरा विलेज का सीन जैसा लग रहा है। अब इस साइड आप देखिए कि इस साइड कमर्शियल फार्मिंग सबसे पहले तो बड़े स्टेज में होता है, मतलब बड़े पैमाने पर होता है, ताकि अगर वहाँ पर कोई अगर वीट लगाए तो वीट बहुत ज़्यादा, मतलब 100 एकड़ 500 एकड़ ऐसा कुछ लगा होता है कि वीट लगा हुआ है, फिर राइस लगाए हुए हैं। तो इस तरह करके जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कमर्शियल वर्कर होते हैं वो थोड़ा सा इस तरह का होता है, जिसके अंदर की और इरिगेशन सिस्टम भी देखिए मॉडर्न है, जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शो किया हुआ हमने। बाकी मशीनरी टेक्निक्स यूज होते हैं इसमें फार्मिंग के लिए, जो कि मशीन का सारा फोटो हमने बैकग्राउंड में लगाए हुए हैं। ये सब सारे न्यू टेक्निक्स के मशीन है जिसको भी यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग हमने, जैसे कि ये कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही जैसे कि अलग अलग स्टेज बने हुए, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी के लिए है, टी है, कॉटन है, राइस है, वीट है, सबके लिए अलग अलग फार्म होता है। वो सभी एक में मिक्स करके नहीं बनाते हैं, उनकी अलग प्लानिंग होती है और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो करते हैं जो कमर्शियल फार्मिंग होती है। और जो मोर जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, जो सो ये फार्मिंग है, इसमें आप हम अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें लगा देते हैं, जो भी लगाने हो, जैसे वीट लगाने हो, राइस लगाने हो, जो भी लगाने हो। तो इस तरह का मॉडल आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो ईजिली। और इस मॉडल को बनाने के लिए आप देख रहे हो कुछ जितने भी फिगर लगे हुए हैं, जैसे कि ये आपका देख रहे हो ये प्रिंट आउट निकले हुए हैं, कटआउट कलर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के इसको हमने कट कर लिया है, और इसके ऊपर बैकग्राउंड में हमने इसमें स्ट्रो लगा के इसको होल्ड कर दिया है। बाकी जितने भी ट्री एंड ग्रास है आर्टिफिशियल है, और इसमें जो बिल्डिंग लगे हुए हैं, हट लगे हुए हैं यहाँ पे, जो तो एक दो हमने शो किया है, ये पेपर का बना हुआ है जिसको कि आप भी बना सकते हो। बाकी कैसे बनाना है उसके वीडियो में आई बटन में डाल देता हूँ, एक हमने सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रखा है। बाकी जो इस पर ग्रीन कलर दिख रहे हैं आपको, रोड है दिख रहे हैं, कुछ रोड हमने टेप के थ्रू बनाए हुए हैं जो रेड रोड है। तो आप ये सब चीज़ अगर आप कैसे करते हैं, कैसे किया हुआ है हमने, तो ये सब चीज़ देखने के लिए आप कोई भी हमारे DIY वीडियो देख लो, उसमें आपको सब चीज़ समझ आ जाएगा कि हमने कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए कैसी लगी आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट ये मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर का, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह का एजुकेशनल वीडियो को हेल्प मिल पाए और वो भी अपने स्कूल को लिखने बना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।